हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक्स क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान निकोबार आइलैंड। कब करेंगे? 10 अगस्त को, 10 अगस्त को करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी मेन्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 अगस्त को पीएम मोदी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में सबमरीन, सबमरीन का मतलब है अंडर ओशन, सी के अंदर जो केबल है उसको सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। ये सबमरीन केबल विल आल्सो कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप, हैवलॉक आइलैंड है, लिटिल अंडमान है और काफी सारे आइलैंड है, उन सबको कनेक्ट करेगी। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? इट विल इनेबल डिलीवरी ऑफ फास्टर एंड मोर रिलायबल मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विस टू अंडमान निकोबार आइलैंड एट पार वे अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, 10 अगस्त को पीएम मोदी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो देखिए, ये चेन्नई है और ये अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल जो है वो बिछाई गई है। इससे क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी, 4G स्पीड आएगी। अब फ्रेंड्स, इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है? एनहेंस टेलीकॉम एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विल बूस्ट टूरिज्म। अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिज्म बूस्ट होगा, ऑनलाइन लोग होटल बुक करा पाएंगे, स्पीड अच्छी होगी, ऑनलाइन सारी सर्विस ले पाएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा आइलैंड में। बेटर कनेक्टिविटी विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस जैसे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन है, वो सारी डिलीवरी फास्टर हो पाएंगी। अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, MSME हैं, जो अपना प्रोडक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना चाहते हैं ई कॉमर्स, वो बेनिफिट, स्पीड हाई मिलेगी तो बेनिफिट ले पाएंगे। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अभी देखिए जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, तो ई लर्निंग नॉलेज शेयरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। और BPO सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस है, वो भी बढ़ेंगी जब इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब फ्रेंड्स, देखिए फंडिंग, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1224 करोड़। तो प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। कहाँ से दी है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा दिया है, जो फंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। BSNL ने एग्जीक्यूट किया है ये प्रोजेक्ट। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो 30 दिसंबर 2018 को फाउंडेशन स्टोन है वो पीएम मोदी ने रखी थी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 2300 किलोमीटर की, वैसे इतना डिस्टेंस नहीं है लेकिन केबल एकदम तो जाएगी नहीं सीधे, तो 2300 किलोमीटर की सबमरीन केबल जो है वो बिछाई गई है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, वहां से फंडिंग हुई है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? ये जो फंड है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देता है टू क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है उनको अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करता है टू पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरिया। जो लोग रूरल और रिमोट एरिया में रहते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है वो अफोर्डेबल प्राइस पर देता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब देखिए क्यों देता है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, नीड फॉर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, देखिए टेलीकॉम सर्विस है, BSNL प्रोवाइड कर रहा है, Airtel कर रहा है, Jio कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि देखिए जहां पर मेट्रो सिटी में सर्विस पहले आती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको कंज्यूमर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी, अमेजन फ्लिपकार्ट से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम हायर कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस इन रूरल एंड रिमोट एरिया, एक तो कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, आप रूरल और रिमोट एरिया में टावर लगाओगे टेलीफोन मोबाइल के, दीज एरिया ऑल्सो जनरेट लोअर रेवेन्यू,
रूरल और रिमोट एरिया में लोअर रेवेन्यू जनरेट होता है ड्यू टू लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, लोअर इनकम, लैक ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी जैसे रूरल रिमोट एरिया में ना होटल है कि भाई आप मेट्रो सिटी में जाते हैं लोग होटल ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, टूरिज्म फैसिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से लोग ऑर्डर कर रहे हैं। दस नॉर्मल मार्केट फोर्स, नॉर्मल मार्केट फोर्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है। अब रूरल रिमोट एरिया में डिमांड कम है तो सप्लाई कम है। तो नॉर्मल मार्केट फोर्स अलोन वुड नॉट डायरेक्ट द टेलीकॉम सेक्टर टू एडिक्वेटली सर्व बैकवर्ड एंड रूरल एरिया। तो देखिए टेलीकॉम कंपनियाँ रूरल और रिमोट एरिया में कम प्रोजेक्ट लगाती हैं। तो कीपिंग इन माइंड द इनएडिक्वेसी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म टू सर्व रूरल एंड इनएक्सेसिबल एरिया ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग वाइटल टेलीकॉम कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरिया। मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव पुट इन प्लेस पॉलिसी टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस एंड यूनिवर्सल सर्विस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए मार्केट फोर्स है, मार्केट फोर्स है, डिमांड नहीं है, इसलिए रूरल और रिमोट एरिया में प्राइवेट कंपनियां कम जाती है। आपने देखा होगा BSNL की सर्विस ज्यादा है, गवर्नमेंट BSNL के थ्रू रूरल एंड रिमोट एरिया में जा रही है। अब BSNL इतना खर्चा कर रही है, इनकम हो नहीं रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से BSNL को पैसा देती है। BSNL ही नहीं, किसी भी प्राइवेट कंपनी के थ्रू भी आप कराओगे तो उसके थ्रू दोगे, लेकिन जनरली क्या है, गवर्नमेंट के पास BSNL है, MTNL है, उसके थ्रू गवर्नमेंट रिमोट और रूरल एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्रिएशन कैसे हुआ, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 आई थी दैट प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर मीटिंग द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, और उसने कहा था कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन वुड बी रेज थ्रू यूनिवर्सल एक्सेस लेवी। एक यूनिवर्सल एक्सेस लेवी है विच वुड बी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय द ऑपरेटर अंडर वेरियस लाइसेंस। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो लाइसेंस देता है, एयरटेल, जियो, इन सबको लाइसेंस देता है, उनका जो रेवेन्यू अर्न होता है उसके ऊपर लाइसेंस फी ली जाती है, तो उसका एक फिक्स परसेंटेज जो है वो यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड में जाएगा। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने स्टेटरी स्टेटस दिया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, जिसको कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया था। इस फंड का यूज क्या करना है, यूटिलाइज एक्सक्लूसिवली फॉर मीटिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स देखिए रूरल और रिमोट एरिया में जहां फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा देती है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए BSNL ने सबमरीन केबल बिछाई है, गवर्नमेंट ने उसको USOF से पैसा दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।